हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपने जब भी कोई नोट अपने हाथ में लिया होगा तो जरूर सोचा हो कि इस पे गांधी जी का ही फोटो क्यों है और गांधी जी के पहले इंडियन करेंसी पे कौन सा फोटो था। आज हम जानेंगे इन सब के बारे में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कई सालों में नोटों में बहुत बड़े बदलाव आए हैं, लेकिन एक चीज नोट से नहीं बदली, वो है महात्मा गांधी की तस्वीर। हम बात करेंगे कि नोटों पे गांधी जी की तस्वीर क्यों है और नोट पर छपी फोटो कहां से ली गई है। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। उस समय महात्मा गांधी जी राष्ट्र का एक चेहरा थे, एक हीरो थे, इसलिए उनके नाम पे ये फैसला लिया गया था। अब आप बोलेंगे कि इंडियन करेंसी पे गांधी जी ही क्यों, और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे। किसी और फ्रीडम फाइटर का फोटो ना लेने का मेन कारण ये बताया जाता है कि अगर उनका फोटो लिया गया तो क्षेत्रीय विवाद हो सकता है, इसलिए गांधी जी का फोटो लिया गया था। आज हम इंडियन करेंसी पे गांधी जी का फोटो देखते हैं, बट इससे पहले नोट पर अशोक पिलर हुआ करता था। RBI द्वारा 1996 में नोटों में परिवर्तन करने का फैसला लिया गया। अभी तक 5 से लेकर 2000 के नोट में गांधी जी का फोटो दिखाई देता है। इससे पहले 1987 में जब पहली बार 500 का नोट चला था, तब उसमें गांधी जी का वाटरमार्क यूज किया गया था। साल 1996 के बाद सारे नोटों पे गांधी जी आ गए। और क्या आपको पता है कि सिर्फ 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जबकि 2000 से लेकर 2 रुपए तक की करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। गांधी जी का यह फोटो उस समय लिया गया था जब महात्मा गांधी और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एक दूसरे से वायसराय ऑफिस में मिले थे। वहीं से यह फोटो लिया गया और इसको यूज किया गया। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव फैक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।